इस वक्त मैं खोपोली के सेडौली इलाके में मैं खड़ा हूं और ये जो सड़क है आप जो मेरे सामने बिल्कुल देख रहे हैं ये बिल्कुल लौजी स्टेशन जो है वहां पर लेके जाती है बिल्कुल नज़दीक में 400-500 मीटर की दूरी यहां से। और मैं जहां खड़ा हूं यहां ये सेडौली जो इलाका है यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये ओम इंफ्रा और डेवलपर्स की ये बिल्डिंग जो है तैयार हो चुकी है, हिल व्यू जो इसका नाम है ये, और इसके बगल में बिल्कुल हिल गार्डन जो ये पूरी टाउनशिप अभी तैयार हो रही है। इस पूरी कंप्लीट बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में 1000 फ्लैट्स की एक टाउनशिप, बड़ी टाउनशिप ये बनाई जा रही है बिल्कुल रोड के किनारे। स्टेशन जो लॉजी स्टेशन है बिल्कुल नज़दीक में और यहाँ पर वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जैसे हॉस्पिटल्स, गार्डन्स, स्कूल्स और जो दूसरी सुविधाएं हैं। यहाँ पर मेरे बिल्कुल बगल में एसटी डिपो आ रहा है जो पनवेल के बाद इस पनवेल और खोपोली इलाके का सबसे बड़ा जो बस डिपो होगा। इसका मतलब यह है कि नज़दीक में 400 मीटर 500 मीटर पर रेलवे स्टेशन जो लौजी रेलवे स्टेशन है और इसके बिल्कुल 100 मीटर पर ये इस प्रोजेक्ट ये टाउनशिप के बिल्कुल 500 मीटर के दायरे में आप देखेंगे तो सारी सुविधाएं आपको नजर आएंगी जैसे एसटी डिपो हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, यहाँ बिल्कुल बगल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, शॉपिंग मॉल बन रहा है, वो सारी जरूरतें जो टाउनशिप है उसके बिल्कुल आप आसपास में बिल्कुल उसके पेरिफेरी में आप 500 मीटर के पा सकते हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि ये जो पार्सिक की पहाड़ियां आप देख रहे हैं ये खूबसूरत वादियों में ये पूरी टाउनशिप जो है ओम इंफ्रा और डेवलपर्स ये डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हिल गार्डन में 50 से ज्यादा फ्लैट थे जो पूरे के पूरे बिक चुके हैं, टाइमली पोजेशन हो गया। आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग में लोग रहने के लिए आ गए, यहाँ सारी सुविधाएं हैं। और इसके बाद ये जो मेरे सामने बिल्कुल जो हिल गार्डन ये जो अभी नई बिल्डिंग तैयार हो रही है इसमें तकरीबन 100 फ्लैट्स हैं जिसकी अभी फाउंडेशन हो गई है। और मैं ये दिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि ओम इंफ्रा और डेवलपर्स किस तरह से अपनी टाउनशिप को यहाँ पे विकसित कर रहे हैं, क्या क्या उसमें सुविधाएं दी जा रही हैं। आपको बता दें कि ये टाउनशिप इसलिए भी ज़्यादा सुर्खियों में आई थी क्योंकि जो हालिया बीएनएम प्रॉपर्टी एक्सपो गया है उसमें ओम इंफ्रा और डेवलपर्स की ये जो टाउनशिप है यहाँ के जो फ्लैट्स हैं सबसे सस्ते रहे हैं, सबका आकर्षण उसमें रहा है। महज 13 लाख में 14 लाख में यहाँ पर ये आपको यहाँ पर मकान मिल रहे हैं और इसीलिए लोगों का आकर्षण ज़्यादा है। तो हमारी एक कोशिश है कि हम अपने दर्शकों को और जो घर खरीदना चाहते हैं, जो अपने सपनों का आशियाना पहली बार अपना घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन उपलब्ध हो सके, वो समझ सके लॉजी स्टेशन के नज़दीक उनको अगर कोई घर चाहिए तो मुझे लगता है कि जो हिल गार्डन ये टाउनशिप है इसे बेहतरीन विकल्प उनको नहीं मिल सकता। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कितना काम पूरा हो चुका है और क्या क्या वहाँ पर और होने वाला है, किस किस तरह की सुविधाएँ वहाँ पर मौजूद होंगी, वो सारी चीज़ हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये तीसरे फेज में यहाँ का डेवलपमेंट होने वाला है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की उन्होंने कहा कि हम फेज वाइज डेवलपमेंट करते हैं, एक फेज कंप्लीट होता है, पोजीशन क्लियर होता है, सोसाइटी हैंडओवर हो जाती है, उसके बाद वो दूसरे फेज में हो गए हैं और दूसरा फेज जब कंप्लीट होगा तो ये जो मेरे सामने का जो पूरा इलाका दिख रहा है यहाँ पर उनका तीसरा फेज यहाँ पर स्टार्ट होगा। बिल्कुल सड़क के किनारे, नज़दीक में रेलवे स्टेशन, नज़दीक में स्कूल्स, नज़दीक में हॉस्पिटल और नज़दीक में शॉपिंग सेंटर्स और दूसरे प्रार्थना के स्थल, यहाँ सारी वो सुविधाएं मौजूद हैं। जिस रोड पर हम खड़े हैं आज ये जो रोड आप देख रहे हैं ये अगले 1-2 सालों के अंदर ये 40 फुट का रोड तैयार होने वाला है, ये पूरा प्रोजेक्शन है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जो इलाका है अपने आप में एक स्मार्ट इलाका हो जाएगा, बहुत ही विकसित इलाका हो जाएगा। और इस विकसित इलाके में ओम इंफ्रा और डेवलपर्स की ये जो टाउनशिप है, जो हिल गार्डन टाउनशिप है, यहाँ पर आपको बेहतरीन रेट में घर खरीदने का मौका मिल सकता है। तो आइए हम यहाँ की और दूसरी चीजों को दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि जो इस टाउनशिप का जो दूसरा फेज चल रहा है वो कहाँ तक पहुंचा है और कब तक आपको पोजीशन मिलेगा और यहाँ पर घर खरीदने का फायदा आपको किस तरह से बड़ा मिल सकता है। अब इस टाउनशिप का जो दूसरा फेज है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मैं आपको वो दिखाऊंगा कि एक्चुअली वहां पर कितने फ्लैट्स बनेंगे, कितने माले की बिल्डिंग बनेगी और वहां पर क्या क्या सुविधाएं होंगी, वो पूरी जानकारी जो आपके लिए जरूरी है घर खरीदने से पहले आपको कंपेयर करने के लिए कि दूसरे बिल्डरों की अपेक्षा ओम इंफ्रा और डेवलपर्स की इमारतें क्यों बेहतर हैं, आखिर इतने कम कीमत में अगर घर मिल रहा है तो क्या उसमें कोई सुविधाएं कम तो नहीं है, ये सारी जानकारी आपको अभी आज मैं देने वाला हूं और ये पूरा प्रोजेक्ट दिखाते हुए ताकि आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट है, एक तरह से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि जो कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है आप देख सकते हैं। ये पूरा जो इलाका दिख रहा है, ये ओम इंफ्रा डेवलपर्स के हिल गार्डन हिल जो टाउनशिप है उसका दूसरा फेज है। पहला फेज जैसे मैंने आपको दिखाया ये कंप्लीट हो चुका है और ये दूसरा फेज है जो अभी इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इसका जो प्लिंथ वगैरह का काम चल रहा है आप देख सकते हैं, पूरा बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। ये पूरा इलाका ओम इंफ्रा डेवलपर्स ने लिया है और फेज वाइज यहाँ पर डेवलपमेंट होने वाला है। यहाँ पर तकरीबन 100 फ्लैट्स यहाँ पर तैयार होने वाले हैं। ये हिल गार्डन, ये जो बिल्डिंग का नाम है इसको दिया गया हिल गार्डन। यहाँ पे आप देख रहे हैं काम हो रहा है और ये काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है कि ये बिल्कुल आसान है आपके लिए समझना कि ये काम कितना तेजी से चल रहा है। और यहाँ पर आपको अगर आप अपने घर के लिए घर का आसियाना बुक करते हैं तो कितनी जल्दी आपको टाइमली पोजीशन मिल सकता है। हमारे साथ निखिल अग्रवाल जी भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने फ्लैट्स का काम चल रहा है, ये गार्डन जो हिल गार्डन ये जो बिल्डिंग का आपने नाम रखा है यहाँ कुल कितने फ्लैट्स बनेंगे? ये हमारे दो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है हिल गार्डन। ये बिल्डिंग ए है, इसमें 84 फ्लैट्स बनने वाले हैं, इसमें खाली 1 RK 1 BHK। और ये बिल्डिंग बी है, इसमें 5 फ्लैट बनने वाले हैं, सब 2 BHK के। और हिल गार्डन का नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये इतना बड़ा एरिया है 500 मीटर का, ये पूरा गार्डन बनने वाला है और आप चारों तरफ देख सकते हैं ये पूरा हिल है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया था हिल गार्डन। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये खूबसूरत ये पहाड़ी के बीच और ये खूबसूरत वादियों के बीच ये हिल गार्डन, ये जो सोसाइटी, ये जो टाउनशिप बन रही है, तो इसीलिए इसका नाम भी इसी लिहाज से रखा गया क्योंकि वो अपने नाम को चरितार्थ करती है। यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर हरियाली है, यहाँ पर खूबसूरती है और इस खूबसूरती के बीच में, ये खूबसूरत फिजाओं के बीच में जहाँ का पर्यावरण एकदम साफ सुथरा है, यहाँ की हरियाली अच्छी है और इसके बीच में ये पूरी जो टाउनशिप है वो रेडी हो रही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हिल गार्डन टाउनशिप। और यहाँ पर जैसा कि निखिल जी ने बताया कि यहाँ पर कुल 84 फ्लैट बनेंगे और यहाँ पर दूसरा जो बनेगा उसमें 2 BHK के 5 फ्लैट्स बनने वाले हैं। तो ये अपने आप में उन दोनों वर्गों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छोटा अगर घर लेना चाहते हैं, 1 RK घर लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। अगर कोई 1 BHK लेना चाहता है उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर किसी का परिवार बड़ा अगर 2 BHK लेना चाहता है उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। बेहतरीन मकान सभी सुविधाओं के साथ जिस तरह से उपलब्ध करवा रहे हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले समय में एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये पूरा इलाका जो है जिस तरह से ये रोड जो 40 फुट का तैयार हो रहा है, यहाँ पर नजदीक में 400 मीटर पर सिर्फ ये लॉजिस्ट स्टेशन है, यहाँ पर बगल में 150 मीटर के बाद यहाँ पर इसी पूरे इलाके का सबसे बड़ा स्टी डिपो आ रहा है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, प्रार्थना स्थल हैं, शॉपिंग सेंटर्स, ये तमाम सुविधाएं इस पूरे टाउनशिप के बिल्कुल 500 मीटर के दायरे में अवेलेबल हैं। तो ये अपने आप में इतना बड़ा प्राइम लोकेशन है और ऐसी लोकेशन पर बेहद कम कीमत में, रियायती कीमत में घर पाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। आप दूसरे इलाकों में देखेंगे, दूसरे बिल्डरों की अगर आप इमारतों को देखेंगे तो छोटे छोटे घर हैं लेकिन उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर आपको 13 लाख से 25 लाख के बीच में 1 BHK और 30 से 35 40 लाख में आपको 2 BHK का मकान मिल रहा है, वो भी सारी सुविधाओं के बीच में और इन खूबसूरत फिजाओं के बीच में। तो जाहिर सी बात है बेहतरीन मौका है। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये इसके रेट्स को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे, क्या आप अपील करना चाहेंगे? हमने रेट्स काफ़ी इकोनॉमिकल रखा है ताकि सारे जो सपना है मोदी जी का कि सबको घर मिले और 2022 तक सबका घर होना चाहिए था, तो उस कदम पे हमने पहल रखी है। हम भी अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं देश के लिए कि बाकी सबको घर मिले, सस्ते में मिले और अच्छे प्राइस में और अच्छा डिज़ाइन के साथ मिले। ये भी नहीं कि स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ करे, वो खुले से रहे, सांस लेने को मिली जगह, नहीं तो माचिस की डब्बी बन जाती है आजकल बॉम्बे में बिल्डिंग बनाते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा आपको अच्छे साइज मिलेंगे और सारी सुविधा है, म्युनिसिपल एरिया है तो आपको कोई परेशानी नहीं है। सामने स्टेशन है, हॉस्पिटल का रिजर्वेशन है, स्कूल का रिजर्वेशन है और गार्डन है, शॉपिंग सेंटर है, तो सारे सुविधा यहाँ पर मिलेगी आपको। और जो रोड है वो 80 फुट का है तो आपको अच्छा कनेक्टिविटी है बॉम्बे से और पुणे से भी, दोनों जगह से आपको अच्छी कनेक्टिविटी है। मतलब ये है कि जो मोदी जी ने कहा है कि सबके पास एक घर होना चाहिए 2022 में और वो सपना कहीं ना कहीं ओम इंफ्रा डेवलपर्स जो है वो पूरा कर रहे हैं। वो आपका भी सपना है, अगर आपने अपना घर नहीं खरीदा अभी तक तो आप यहाँ पर घर खरीद सकते हैं। जैसा उन्होंने बताया कि ये मौका इसलिए बेहतरीन है कि ये ऑलरेडी ओम इंफ्रा डेवलपर्स ने ऑलरेडी एक एग्जांपल सेट कर दिया है। ये हिलव्यू जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं
ये बेहतरीन बिल्डिंग है, जो 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 वादा किया जा रहा है वो सारी सुविधाएं इसमें नजर आती हैं। पूरा खुला माहौल है, पार्किंग की व्यवस्था है, रोड के किनारे बिल्डिंग है, लिफ्ट्स हैं और दूसरी अमेनिटीज जो जरूरी है सारी इसमें अवेलेबल हैं। तो उससे बेहतर ये इमारतें बनने वाली हैं, तो उसका फायदा आपको मिल सकता है। और जैसा कि तमाम वो सुविधाएं यहाँ पर जो दी जा रही हैं, अब ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूं कि ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन इतना फास्ट चल रहा है कि बहुत जल्द इसको टाइम से पहले जो वादा किया गया है उससे भी पहले आपको अपना फ्लैट मिल सकता है। मतलब ये प्लिंथ हो गया, इसके बाद ये तेजी से ऊपर के हिस्से बनेंगे। और ये बेहद जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है घर खरीदार के लिए होती है कि वो बुकिंग तो कर देते हैं लेकिन तमाम ऐसे बिल्डर हैं जो टाइम पर उनको पोजीशन नहीं देते, इससे पैसा भी अटक जाता है और जो सपना होता है कि हम अपने घर में जा कर रहे हैं वो सपना भी काफी कई बार लोगों का चकनाचूर होता है, कई बार लिटिगेशन में मामले चले जाते हैं। लेकिन ओम इंफ्रा के मामले में ये एक एग्जाम्पल सेट हो गया है कि उन्होंने टाइम से पहले पोजीशन दिया है और इस पूरे दोनों ये जो बिल्डिंग्स बन रही है इन दोनों की पोजीशन भी वो टाइम पर देने की तैयारी में, और ये काम जो दिख रहा है तेजी से चलता हुआ ये इसका सबूत देता है। हर घर खरीदार की एक डिमांड होती है, एक उसकी जरूरत होती है कि उसका जो घर हो वो प्राइम लोकेशन पर हो, जो उसके घर की कीमत हो बिल्कुल सही हो, बजट में हो। तीसरी चीज, उसकी जो प्रॉपर्टी हो वो लीगल हो। और चौथी चीज कि जिस बिल्डर के पास वो पैसा दे रहा है वो उसे टाइम पर पोजीशन दे सके ताकि वो अपने परिवार के साथ खुशहाली के साथ रह सके। ये एक सपनों का घर खरीदने वाला अक्सर यही चाहता है और इसी डिमांड को पूरा कर रहा है ओम इंफ्रा और डेवलपर्स। और ये पूरी जो हिल गार्डन जो ये टाउनशिप है ये इसका सबूत है। पहले फेज का काम मैंने जैसे आपको बताया कि वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें लोग रहने के लिए आ गए हैं। ये दूसरा फेज का डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है, ये कब तक पूरा होगा और जो एक ग्राहक की डिमांड है, जो ग्राहक की जरूरत है और जो ग्राहक की सोच है कि उसका घर कहाँ होना चाहिए, कितनी कीमत में मिलना चाहिए और कब मिलना चाहिए, ये सारे जो डिमांड्स हैं उस डिमांड को कैसे ओम इंफ्रा और डेवलपर्स पूरा कर रहे हैं। निखिल जी हमें बताइए कि जो एक ग्राहक क्या चाहता है तो इस कसौटी पर ओम इंफ्रा डेवलपर्स कैसे खरा उतरता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो हमने कंस्ट्रक्शन चालू की है ये हमने 2 साल का टाइमलाइन दिया है, मगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसको 18 से 20 महीने में कंप्लीट कर दे प्रोजेक्ट को, 2 साल का जो टाइमलाइन है उसके पहले। दूसरा है कि हमारे प्रोजेक्ट की 100% लीगल प्रोजेक्ट है, हमारे प्रोजेक्ट को कम से कम 18 से 20 बैंक ने अप्रूव किया है, लीगैलिटी है सब कुछ और किसी को भी कोई शंका या कोई डाउट होना आना नहीं चाहिए। तीसरा, ये प्राइस में जो हम दे रहे हैं इसमें आपको सारे अमेनिटीज दे रहे हैं, सारा गार्डन दे रहे हैं और हमारे प्रोजेक्ट जो रोड पे है, रोड टच 80 फुट की रोड टच है, उसके प्रोजेक्ट को लग के हॉस्पिटल का रिजर्वेशन है, गार्डन का रिजर्वेशन है, शॉपिंग सेंटर, हॉस्पिटल और बहुत सारे चीज़ें हैं। और ये सेंटर में है दोनों, मुंबई और पुणे से, तो आप कहाँ से भी आपको आना चाहे तो आप आधा 30-45 मिनट्स के राइट में आप फट से आ सकते हैं, तो आपको एक्सेस भी है, डायरेक्ट VT से डायरेक्ट ट्रेन आती है, अभी नेक्स्ट 1 साल में पनवेल से भी कनेक्ट हो जाएगी, तो फिर आपको सेंट्रल लाइन तो था ही, अभी हार्बर लाइन भी ज्वाइन हो जाएगा। प्लस अभी जो मोदी जी ने वो प्रधानमंत्री का योजना की है तो उससे अभी जो हम 30 लाख और 13 लाख से चालू कर रहे फ्लैट दे रहे उसमें भी आपको छूट मिलेगी, 2 लाख अप टू 2,70,000 की आपको और छूट मिल जाती है। ये अभी सितंबर तक है, अभी तक हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आपको जो 13 लाख में दे रहे हैं वो और सस्ता होकर आपको 11-11.5 तक और कम हो सकता है प्राइस, और जो 30 लाख में दे रहे हैं वो और कम हो जाएगा। अभी मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जो फैंस पे बैठे जो भटक रहे कि मैं कहाँ प्राइस में ले लूँ, सस्ते में मिले, लोकेशन में मिले, और जो अटके हुए कि अभी सोच रहे कि लेना है, तो अभी मैं उनको अपील करता हूँ कि आप जल्द से जल्द दीजिए, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी सारे पॉइंट्स पे आपको खरी मिलेगी, लोकेशन वाइज भी, प्राइस पॉइंट वाइज भी, और अभी जो फैसिलिटीज़ भी दे रहे वो पॉइंट के व्यू से भी काफ़ी अच्छी प्रोजेक्ट है। और मैं अपील करता हूँ कि आप जल्द से जल्द लीजिए, क्योंकि अभी बैंक के इंटरेस्ट रेट भी सबसे लोएस्ट रेट्स पे है, तो आपको अभी कम से कम ब्याज दरों में घर भी मिल सकता है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप ज़रूर ये प्रोजेक्ट को देखिए, एक बार विजिट कीजिए, आपको पसंद ज़रूर आएगा और आप ज़रूर लेंगे। ये घर आपको पसंद आएगा, इसलिए पसंद आएगा क्योंकि उसकी कीमत बेहद कम है, उसकी क्वालिटी बेहतरीन है,
उसकी जो लोकेशन है वो बेहतरीन है और सारी सुविधाओं से युक्त है। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक कोई घर नहीं खरीदा है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको तकरीबन 3.25 लाख तक की छूट मिल सकती है। यानी आप अगर 1 आर के अगर घर खरीदना चाहते हैं तो आपको 3.25 लाख यानी 13 लाख में से भी कम कीमत में आपको आपका अपना आसियाना मनचाहे बजट में और अच्छी लोकेशन पर आपको मिल सकता है। और ये सुविधा और ये कीमत और इस कीमत में अच्छा मकान जो दे रहे हैं ओम इंफ्रा डेवलपर्स, आप इस मौके का जरूर फायदा उठाएं क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, लव जी, खोपोली। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।